ग्रेटर नोएडा में चल रहे ऑटो एक्सपो 2020 में अगर सबसे ज्यादा किसी चीज को पसंद किया जा रहा है तो वो है इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट कार। अब आप सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक के बारे में तो पता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट कार क्या होती है? इसका सीधा सा जवाब है कि वो कार जो सिर्फ एक आइडिया है। कार कंपनियां अपने कुछ प्रोडक्ट को शोकेस करती हैं। इन प्रोडक्ट्स में आपको वो भी सभी फीचर्स देखने को मिलते हैं जिसे कंपनी आने वाले समय में पेश या लॉन्च करती है। इसी क्रम में महिंद्रा ने अपनी कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फंस्टर एसयूवी को पेश किया है। इस इलेक्ट्रिक कार की सबसे खास बात यह है कि ये 5 सेकेंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है। यही नहीं, इसका लुक और डिजाइन भी काफी अट्रैक्टिव है। इस ओपन रूफ वाली इलेक्ट्रिक कार का डिजाइन काफी शानदार है। इसमें 2 दरवाजे दिए गए हैं जो ऊपर की तरफ उठ जाती है। इसके फ्रंट और बैक में अग्रेसिव डिजाइन देखने को मिलता है। इसमें 59.1 किलोवाट पावर की बैटरी दी गई है। इसका मोटर 313 हॉर्स पावर की ताकत जनरेट करता है। स्पीड के मामले में ये कार बेजोड़ है। इसकी टॉप स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा है। वहीं मोटर शो में भविष्य में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों पर ध्यान आकर्षित किया गया है, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहन, ऑटोनोमस कारें और उन्नत टेक्नोलॉजी शामिल है। टाटा मोटर्स ने भी भारतीय बाजार के लिए अपनी ऑल न्यू टाटा अल्ट्राज ईवी से मोटर शो में पर्दा उठाया। कंपनी की प्रीमियम हैचबैक अल्ट्राज पर आधारित है। कंपनी ये पहले ही साफ कर चुकी है कि इस हैचबैक ईवी की बिक्री इसी साल शुरू हो जाएगी। महिंद्रा की लोकप्रिय सब कॉम्पैक्ट एसयूवी में इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन का इस्तेमाल किया गया है। कंपनी ने अपनी इलेक्ट्रिक कार ईएक्सयूवी 300 को भी शोकेस किया। कंपनी ने एक्स शोरूम कीमत 8.25 लाख रुपए रखी है। इलेक्ट्रिक कॉम्पैक्ट एसयूवी में प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। महिंद्रा के सभी इलेक्ट्रिक वाहन भविष्य में इसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर तैयार किए जाएंगे।